नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 5:30 बजे तय था, जिसे 5:45 तक बढ़ा दिया गया। आज मंगलवार का दिन है, विधानसभा की जो शताब्दी समारोह चल रहा है उसमें खास तौर पे जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। इससे पहले देवगढ़ जाकर उन्होंने बाबा का दर्शन किया, जिसकी भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई। अब खबर ये आ रही है कि वो बिहार पहुँचने वाले हैं, लेकिन बिहार पहुँचने के दौरान बाकी पार्टियों का रवैया क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर पलटी किसी ने मारा है तो वो है जदयू। जदयू ने, खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने, नरेंद्र मोदी जी को लेकर कल एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तुलना भी की और ये भी बताया कि कैसे उनका एक सुखद अनुभव रहा है प्रधानमंत्री के साथ भी काम करने का और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम करने का। दोनों व्यक्तियों के साथ काम करने के अलावा उन्होंने दोनों में बहुत सारी समानताएँ देखी हैं और उन समानताओं के वो कायल भी हैं। कहीं ना कहीं कल से ही जदयू का जो माहौल है वो प्रधानमंत्री के फेवर में रहा है। भाजपा के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पटना आएंगे तो सबसे पहले वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, उनके पुराने मित्र हैं। वहीं जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बिहार आगमन के साथ साथ इस बार बिहार को कई सारी सौगातें भी मिलने वाली हैं। लेकिन ये सब कुछ पर्दे के सामने हो रहा है, पर्दे के पीछे जो खेला हो रहा है वो समझ लीजिए। पर्दे के पीछे बिहार में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को घेरने की तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ राजद ने इसको लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है, पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है और प्रधानमंत्री से पुरानी वादा खिलाफी का भी कहीं ना कहीं हिसाब किताब किया गया है और आज भी लगातार दिन भर जो प्रवक्ता हैं राजद के वो हमलावर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। पिछले बार जो वादे उन्होंने किए थे 100 करोड़ 200 करोड़ के, उनसे उनका भी हिसाब पूछा गया। इस बार जो रोजगार के वादे किए थे उसका भी हिसाब पूछा गया, अग्निवीर वाले मामले पर घेरा गया। लेकिन खास बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जदयू का भी पर्दे के पीछे साथ मिल रहा है तेजस्वी यादव को, यानी नीतीश तेजस्वी का जो सीक्रेट अफेयर चल रहा है प्लान, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पटना पहुंचेंगे और शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू और राजद ने वर्षों पुराने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को दोहरा दिया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में आ रहे हैं, बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा बहुत पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में कई मामलों में बिहार पिछड़ा राज्य दिखा है, ऐसे में बिहार को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अपने बिहार दौरे के क्रम में विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए। इधर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की राग उन्होंने भी छेड़ दी है। कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर एक विशेष अनुभूति का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार को विशेष दर्जे की मांग लंबे समय से करती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर मैं उनका पुरजोर स्वागत करता हूं तथा उनसे उम्मीद करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य दिया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। लगातार आपको याद होगा इसके लिए ललन सिंह कैंपेन भी चला रहे थे, प्रधानमंत्री को घेरने का भी काम किया है। वहीं बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को, विशेष राज्य के मामले को, सहूलियत बताया है और ये बताया है कि जब जब सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जितना कुछ दिया है वो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार आगमन से बिहार की जनता काफ़ी खुश है। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा ये सब ख्याली पुलाव पका रही है, वहीं पर्दे के पीछे खेल ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार में आज तगड़ा घेरने की तैयारी चल रही है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज मंच से भी होने जा रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।